हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राइट क्लिक करने से जो ऑप्शन आते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या यूज होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आज मैं बनाया हूं। तो आप ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और बताएं आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करने के बाद व्यू आता है हमारा ऑप्शन। व्यू में सबसे पहले आता है लार्ज आइकन। ये जो आइकन दिख रहा होगा आपका, ये लार्ज हो जाएगा, इसमें बड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है मीडियम आइकन, ये मीडियम साइज में हो जाएगा। और इसका ये इसके बाद स्मॉल आइकन आ रहा है, तो ये स्मॉल साइज में हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है आता है ऑटो अरेंज, अपने आप ये अरेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसके में जब सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक एक मिनट ऑटो अरेंज पर से हम क्लिक हटा देते हैं पहले, और यहाँ से देखें हमने इधर कर दिया, और इसको हम चाहते हैं कि अपने आप अरेंज हो जाए। तो इसके लिए हम व्यू में जाके और ऑटो अरेंज पर हम क्लिक करेंगे तो अपने आप ये अरेंज हो गया। देखिए साइड में अपने आप लग गया ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है ये अलाइन आइकॉन टू ग्रेड। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखिए अभी जो है हम इसको पहले हटा देते हैं, और हटाने के बाद जैसे कि हम देखें अब यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट नहीं हटा लगता है, इसे भी अरेंज को भी हटा देते हैं, और शॉर्ट में जाके यहाँ से देखिए यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। मतलब ये देखिए एक लाइन में आ रहा है, लाइन में नहीं आ रहा है, सॉरी, तो लाइन में नहीं आ रहा है। इसको लाइन में लाने के लिए जो अपने आप ये लाइन में आ जाए, आगे पीछे ना रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस पर आके और यहाँ पर आके जो इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो ये देखिए साइज में लाइन में आ गया अपने आप। तो ये होता है इससे, इस ऑप्शन से। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये शो डेस्कटॉप आइकन है, इसको हाइड करना चाहो तो पूरे ही आइकन जो भी आइकन होगा डेस्कटॉप पर वो सब आपका हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है शो आइकन, ये फिर शो हो जाएगा उसी से जस्ट। और ये आता है ये शो डेस्कटॉप गैजेट्स, इस पर आप गैजेट्स लेने के लिए पहले बताऊँगा, फिर जाके ये शो और हाइड करने के लिए बताऊँगा इस ऑप्शन को भी। यहाँ से जाके हमारा जो गैजेट्स हैं यहाँ पर आके, और यहाँ से हम कोई भी गैजेट्स को ले सकते हैं, जैसे ये हो गया, कैलेंडर हो गया, वॉच हो गया, हमने ले लिया। अब इसको हाइड शो करना हो तो यहाँ से आप जाके व्यू में जाके आप हाइड कर दो, आप हाइड हो जाएगा हमारा। तो जो गैजेट्स होते हैं उसे हम ले सकते हैं और यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है व्यू नेम वाइज शॉर्ट, जो है शॉर्ट नेम। तो इसमें शॉर्ट नेम में सबसे पहले नेम वाइज जो भी नेम रहेगा शुरुआत से उस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इसमें आप साइज वाइज जितना जो केवी का होगा उसके हिसाब, सबसे ज़्यादा ये केवी का है और ये 153 MB का है, इसलिए इसके बाद ये वाला है आपका 61 MB का, और ये इसके बाद ये वाला है आपका 28 MB का। तो साइज वाइज साइज आपका ये फिट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है आपका आइटम वाइज जो नाम रहेगा, जैसे रिसाइकल बिन कंप्यूटर का आइटम है, इसके बाद आपका ये जो है आपका फोल्डर आएगा, इसके बाद जो है सीट आएगा, इसके बाद फोटो आएगा, एक तरह का सीरीज में आ जाएगा ये भी। इसके बाद नेक्स्ट ये डेट मॉडिफाई, मतलब डेट के हिसाब से जो सबसे लास्ट में सेव क्या होगा वो सबसे ऊपर आएगा, बाकी बात सबसे जो पहले सेव क्या होगा सबसे बाद में आ रहा है। जैसे कि ये रिसाइकल बिन कंप्यूटर, हम जब इस कंप्यूटर में लैपटॉप में आप विंडो डालते हो उसी समय रिसाइकल बिन आता है, तो सबसे लास्ट में आ रहा है इसलिए क्योंकि सबसे पहले डाला गया है, और लास्ट में हम सबसे लास्ट में ये डाला गया, मतलब ये वीडियो मैंने रखा था, और इसलिए ये सबसे पहले आ रहा है यहाँ कोने में। इसके बाद हम इसमें रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश से जैसे होता है कि अगर कोई प्रोसेसिंग में है और अनयूज्ड वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में हो रहा है बिना काम का, तो उसको रिफ्रेश करके ये सही कर देगा, और हटा जो हटाने का होगा उसको हटा देगा, जो प्रोसेसिंग करने का होगा उसको थोड़ा फास्ट कर देता है, ये रिफ्रेश का मतलब ये होता है इसमें। इसके बाद कॉपी पेस्ट, जैसे कि अब ये हो गया, अब इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कोई जैसे ये वाला हो गया हमारा और या ये वाला, इसको हम कॉपी पेस्ट करना चाहो कॉपी कर देते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो पेस्ट से तो नॉर्मल पेस्ट हो जाता है, बस शॉर्टकट की अगर पेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की होगा बहुत ईजी तरह से, मतलब इसी का ये शॉर्टकट की बना है, ये अलग से नहीं आया है। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो यही आपका प्ले होगा और यही ओपन होगा, और ये अकेला नहीं हो सकता, इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो ये भी डिलीट हो जाता है, मतलब पेस्ट में क्या होता है डबल आ जाता है, मगर ये इसका शॉर्टकट की सिर्फ बना है। नेक्स्ट ये आपका, अगर हम शॉर्टकट की हटाना चाहो तो कंट्रोल जेड करके और सॉरी डिलीट करेंगे कुछ भी, जैसे हम यहाँ से राइट क्लिक करके और डिलीट कर दिए, और डिलीट करने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर अंडो करना चाहो तो डिलीट का जो भी हमने किया था वो आ जाएगा दोबारा,
ये देखो यहाँ पर शॉर्टकट की आ गया जो दोबारा जो मैंने डिलीट किया था। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये इनविडिया कंट्रोल पैनल है, ये इनविडिया के जो हमारे पास कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है उसका ये कंट्रोल पैनल है, और उसमें दिखाएगा कि आपका 3D किस तरह से चलेगा, एडजस्टमेंट इमेज किस तरह से चलेगा, इस तरह से पूरा ये सेटिंग है ये। इसके बाद यहाँ से हमारा आता है न्यू, न्यू में बहुत सारे न्यू आप फोल्डर बना सकते हो, किसी का शॉर्टकट की बना सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो सॉरी। और इसके बाद आपका इसमें न्यू एक्सेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे जिसका कि आप शॉर्टकट ले सकते हो, जैसे कि मुझे एमएस वर्ड का लेना था, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, देखो एमएस वर्ड का शॉर्टकट किया गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोबारा तो अब हमारा हमेशा न्यू खुलेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर ये खुलता है, तो ये शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पर बना कर रख सकते हैं, इसको कहीं पर भी वैसे हम रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा तो रेवोल्यूशन, ये हमारा जो इसका स्क्रीन है, स्क्रीन से ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए रेवोल्यूशन हमारा होता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, इसमें हमारा 1366x768 है, तो आप यहाँ से इसमें कम करोगे रेवोल्यूशन, देखो ये इसका साइज जो है कम हो रहा है, इससे भी कम करोगे या तो ये जैसे कम करते जाओगे, और अगर मैं अभी कम कर दूँ तो ये रिकॉर्डिंग होना ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन में, ये जो इसका रेवोल्यूशन है स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, ये डेस्कटॉप का प्लस स्क्रीन का जो है साइज फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप इसका मतलब इसमें फिट कर सकते हो आप। यहाँ से जैसे हमने इसमें डाला सबसे ज़्यादा ये बेटर है, और इसमें अप्लाई करने पर कोई वो चीज़ नहीं होता। इसके बाद ये आप अपना जो स्क्रीन है उसको लैंडस्केप और इसको आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हो इसे, और पोर्ट्रेट अभी करूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें देख ले ऐसे करके ऐसे आगा चौराहे में आ जाएगा आपका, ये लंबाई में आ जाएगा आपका ये स्क्रीन जो भी है, तो हम इसको लैंडस्केप ही रहने देते हैं और इसको ओके करके हम बाहर निकल जाते हैं। फिर राइट क्लिक करने पर नेक्स्ट हमारा गैजेट का मैंने आपको बता ही दिया, ये अलग अलग गैजेट्स होता है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, और बहुत अच्छा लगता है कि आप स्क्रीन पर कुछ इस तरह का हो तो अच्छा लगता है, दिखने में भी लगता है अच्छा। ये नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ये आपका पर्सनलाइज, पर्सनलाइज में बहुत सारी चीज़ें वैसे आते हैं, तो अभी तो हम नॉर्मल हम इसमें कोई फोटो वोटो हम बदल सकते हैं, जैसे कि आप देखें ये पिक्चर वॉलपेपर जो है इसका बदल चुका है, स्क्रीन का डेस्कटॉप पर जो वॉलपेपर होता है वो बदल चुका है, तो ऐसे ही आप बदल सकते हैं इसमें, और इसमें और भी यहाँ से देखिए आप बदल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि वॉलपेपर अपने आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके और 30 मिनट के बदले में आप मात्र आप 10 सेकंड कर दो, और 10 सेकंड करके ये जितना भी वॉलपेपर है ना यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है अपने आप ये बदलेगा, अब 10 सेकंड पर बदलते रहेगा। इसके बाद यहाँ से आप इसे क्लोज कर दो, देखो 10 सेकंड में ये बदल चुका है, और दूसरा भी 10 सेकंड जब जैसे ही होगा अब ऐसे ही अपने आप बदल जाएगा। तो हम नेक्स्ट आगे इसमें बढ़ते हैं, आपको पर्सनलाइज में ही देखो बदल चुका है, तो पर्सनलाइज में आप क्लिक करोगे, जैसे स्क्रीन सेवर होता है तो अपना नाम लगा सकते हो इसमें, तो इसके लिए अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा पर्सनलाइज के लिए, और साउंड कलर वलर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताऊंगा, स्क्रीन सेवर साउंड कलर बैकग्राउंड और डिस्प्ले टास्क बार माउस आइकन, ये पूरा मैं आपको पर्सनलाइज का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा, तो आप मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।